हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ कि हम बताएंगे आपको कि हम टमाटर को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको तीन तरीके से स्टोर करना टमाटर को बताऊंगी, क्योंकि हम टमाटर या कोई भी सब्जी बाज़ार से तो ले आते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं उसे स्टोर किस तरह से करें। क्योंकि अगर हम उसे अगर बाहर रखते हैं सब्जी को, तो वो ख़राब हो जाती है, सूख जाती है, और फ्रिज में रखते हैं तो गल जाती है। तो आज मैं आपके लिए टमाटर को कैसे स्टोर कर सकते हैं आपको बताऊंगी। इस तरह से आप अपने टमाटर को 6 से 7 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए गाइस, ये मेरा आधा केजी टमाटर है। मैं आपको इसको तीन तरह से स्टोर करना बताऊंगी। अब बहुत ही आसान तरीके हैं ये, आप इस तरह से अपने टमाटरों को स्टोर करके रख सकते हैं। गाइस, सबसे पहले तो आप टमाटर स्टोर करने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि टमाटर एकदम साफ सुथरे होने चाहिए, पिचके हुए ना हो, ना गले हुए, ना कोई उनमें निशान होना चाहिए। इसके बाद इन्हें 2-3 बार अच्छी तरह से साफ पानी से धो लीजिएगा। वैसे तो आप मार्केट से जो भी सब्जी लाएं उसे पानी से ज़रूर धो लीजिएगा। गाइस, अगर आप भी मेरे तरीके से स्टोर करेंगे टमाटर को, तो आपके टमाटर भी 6-7 महीने तक स्टोर रह सकते हैं। आप इस तरीके से स्टोर ज़रूर करिएगा टमाटर को। अब देखिएगा, हमने इसका सारा पानी फेंक दिया है टमाटर का, और इसके बाद हम इनको किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे सारे टमाटर को। हमने एक प्लेट में सारे टमाटर रख लिए हैं, लेकिन गाइस मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके टमाटर बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप स्टोर करेंगे तो दूसरे भी ख़राब हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा, हमने उसी बाउल में फिर पानी ले लिया है, और इसमें अगर आपके पास अभी हम इसमें 1/2 चम्मच विनेगर डाल दिया है हमने, और अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसमें नमक और 1 चम्मच नमक 1 चम्मच हल्दी भी डाल सकते हैं। उसके बाद सारे टमाटर को इसमें डिप कर दीजिएगा 5 मिनट के लिए। इसी तरह से इसमें टमाटर को पानी में पड़े रहने दीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे जितने भी टमाटर में जम्स वगैरह होंगे सब कुछ निकल जाएंगे, क्योंकि हल्दी हो या विनेगर, इससे जम्स निकल जाते हैं सब्जियों के। इसके बाद हम सारे टमाटर को, देखिए 5 मिनट हो गई है, हम प्लेट में रख लेते हैं। सारे टमाटर हमने निकाल के प्लेट में रख लिए हैं। इसके बाद हम कोई सा भी किचन टॉवल लेंगे, और उससे एक एक टमाटर को अच्छी तरह से हमें पोंछना है, क्योंकि इसमें पानी भी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इस तरह से हम एक एक टमाटर को पोंछते रहेंगे, और किसी दूसरे बर्तन में इन टमाटरों को रखते रहेंगे। देखिए गाइस, हमने टमाटरों को सबको पोंछ लिया, और इन्हें 5 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दिया। इसके बाद हम इसे करेंगे स्टोर। सबसे पहले तो हमने ये टमाटर ले लिया है, और इसका जो बीच वाला पार्ट होता है, इसे टमाटर की आई कहा जाता है, इसे हम निकाल देंगे। क्योंकि अगर इसे नहीं निकालते हैं तो टमाटर ख़राब होने का डर इससे ही सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप सब्जी भी बनाएं तो इसे काट के ही बनाएं। इस तरह से हम सारे टमाटरों की आई को निकाल देंगे। देखिए गाइस, हमने सारे टमाटर की आई को निकाल दिया, और इसके बाद हमने ये एयर टाइट डिब्बा ले लिया। आपके पास कोई भी कंटेनर हो तो वो आप ले सकते हैं। इसमें मैं टमाटरों को स्टोर करूंगी। अब देखिएगा मैं कैसे स्टोर करती हूँ। तीन तरीके हैं ये टमाटर स्टोर करने के, बहुत ही आसान। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये देखिए गाइस, ये मेरा पहला तरीका है टमाटर स्टोर करने का। मेरे पास इस समय ज़्यादा टमाटर नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ 2 टमाटर इसमें इस कंटेनर में डाल दूंगी और इसे स्टोर करूंगी। देखिए, इसके बाद हमने ये 2 टमाटर कंटेनर में डाल दिया, और इसका अच्छी तरह से बंद कर दिया है। इसमें एयर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस समय, और इसे हम रख देंगे फ्रीजर में। जिसमें आप बर्फ़ जमाते हैं आप उसमें इसे रख दीजिएगा। और इसके बाद हमने दूसरा टमाटर ले लिया है, ये मेरा टमाटर स्टोर करने का दूसरा तरीका है। इसमें मैं पीछे की साइड में, बैक साइड में, यानी कि प्लस का निशान लगाऊंगी। इसको प्लस का निशान लगाने के बाद किस तरह से हम यूज़ करेंगे ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, आप वीडियो पे बने रहिएगा। और इसे भी हमने दूसरा कंटेनर ले लिया है, इसे हम उसमें रखेंगे। इस तरह से देखिएगा गाइस, मैं सारे ही टमाटरों में ये प्लस का निशान लगा लूँगी, और इसमें कंटेनर में स्टोर करके रखूँगी।
गाइस देखिए इसमें भी मैंने प्लस का निशान लगा लिया है। ये बहुत ही आसान तरीके हैं। ये भी टमाटर मैंने कंटेनर में ही रख दिया है। ये बहुत आसान तरीके हैं। इस तरीके से आप टमाटर स्टोर करेंगे तो आपके 6-7 महीने तक बिल्कुल टमाटर ख़राब नहीं होंगे और आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि बार बार मार्केट में जाना है और टमाटर लाना है, क्योंकि ऐसी कोई सी सब्जी नहीं है कि जिसमें टमाटर ना डालता हो। इसे भी हमने बंद कर दिया है, इसके बाद इसे फ्रीजर में रख दिया। और ये मेरा है तीसरा तरीका टमाटर को स्टोर करने का। ये मैंने एक टमाटर ले लिया है और इसे बहुत बारीक बारीक जो पीस होते हैं पतले पतले लंबे पीसेस में कट कर लिया है। एक प्लेट में ये सारे टमाटर को मैं इसी तरह से पतले पतले पीसेस में कट कर लूँगी। देखिए गाइज इस तरह से हमने अपने सारे टमाटरों को काट लिया है। इसके बाद एक प्लेट ले लिया, आप कोई सी भी प्लेट ले सकते हैं। उसके बाद हमने जो कटे हैं टमाटर जिनको काटा है वो हम इस प्लेट में फैला के रख देते हैं। और उसके बाद देखिए गाइज इसके बाद हमने सिल्वर फॉइल जो होता है उससे इस प्लेट को पूरे को अच्छी तरह से कवर कर देते हैं और इसे भी हम फ्रीजर में रख देंगे। और देखिए पूरी हमने रात भर इनको फ्रीजर में रख दिया था टमाटर को सबको। और इसके बाद देखिएगा सुबह के समय जब मैंने निकाले हैं तो टमाटर कितने ज़्यादा हार्ड हो गए हैं, बिल्कुल आवाज़ आ रही है इसमें से। अब ये बिल्कुल ख़राब नहीं हो सकते हैं चाहे हम कितने भी दिन इनको रखें। और जब हमें सब्जी बनानी हो तो आधे घंटे पहले निकाल के इसे फ्रीजर में से हम सब्जी बना सकते हैं। देखिए इसके बाद हम दोबारा से इसे ढक देते हैं और फ्रीजर में रख देंगे। इसके बाद देखिएगा ये गाइस मेरा दूसरा तरीका है। इसमें भी टमाटर बिल्कुल हार्ड हो गए हैं ये, और इसमें जो प्लस का निशान लगाया था मैं उसको किस तरह से छील दूंगी, क्योंकि बहुत सारी सब्जियों में हम छिलके नहीं डालते हैं तो इसलिए हम इन टमाटरों को इनका छिलका ऊपर से अलग कर देंगे। गाइस प्लस का निशान से टमाटर का छिलका बहुत आसानी से हटा दिया है। देखिए गाइस अगर आपसे हाथ से ना छिले तो आप चाकू से भी ऐसे छिलके को आराम से हटा सकते हैं। देखिए पूरा टमाटर हमने छील लिया है और इसे चाकू से काट के इसके बाद हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आधे घंटे के लिए फ्रीजर से बाहर रख दीजिएगा और सब्जी में डाल लीजिएगा। और ये मेरा तीसरा तरीका है। जो हमने प्लेट में काट के रखे थे बहुत पतले पतले टमाटर, देखिए इनमें बर्फ जम गई है और कितने टाइट हो गए हैं ये। हम इसे इस तरह से तोड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा गाइस कि हमें आधे घंटे पहले इसको निकाल दीजिएगा। आजकल तो गर्मी है तो 15 मिनट पहले भी निकालेंगे तो बर्फ़ सारी पिघल जाएगी। और जितने टमाटर लेने हैं आप उतने ले लीजिए और बाकी फ्रीजर में रख दीजिएगा। गाइस इसके बाद हमने एक कंटेनर ले लिया है, हम इसमें पलट लेते हैं इनको और इसे फ्रीजर में रख देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।